हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। हर साल बोर्ड की एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक मूलभूत प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम की हम कंप्यूटर को चला नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आविष्कार हुआ है वो पहले जनरेशन से स्टार्ट हो गया है। पुराने समय के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे डॉस बेस्ड थे, कमांड बेस्ड थे, उन्हें हर बार कमांड याद करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप आसानी से उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं, इन्हें आपको कमांड याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहली बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज को एक टास्क के रूप में दिया जाता है, कार्य करने के लिए प्रोग्राम के रूप में दिए जाते हैं और एक एक करके उनको रन करवाते हैं, वो कहलाता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट या लैंग्वेज या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर रन हो सके या चल सके, इसके लिए बोलेंगे आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आज के समय में हम विंडोज 7 को, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को कई सारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी नेटवर्क की हेल्प से हम डाटा को कई जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम पर वर्क करता हो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे आपको डाटा कहीं सेंड करना है तो वो तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके द्वारा हम एक ही टाइम पर बहुत सारे कार्य कर सकते हैं वो कहलाता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके द्वारा हम विभिन्न टास्क दे सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टास्क या दो से अधिक टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को दे सकते हैं वो कहलाता है आपका मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर हों वो कहलाता है आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मैं जितनी भी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैंने आपके लिए यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस बाय राहुल गुप्ता के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है। आप यूट्यूब पर जाकर हमारे वीडियो रिकॉर्ड की हुई देख सकते हैं। थैंक यू।